मेरे सिग्नल को अच्छे से देखो, वो उधर बोलने से हम कर रहे हैं। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान संपन्न। 7 राज्यों के 51 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच आज डाले गए वोट। सीबीएसई ने घोषित किए कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम। परीक्षा में शामिल हुए 17,60,000 छात्रों में से 91.1% छात्र उत्तीर्ण। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम के आने के साथ ही राजधानी ईटानगर में आज से 2 दिन का एजुफेयर शुरू। युवाओं को देश भर के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों के बारे में दी जा रही है जानकारी। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान आज से कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ और राज्यवर्धन राठौर ने जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले। इस चरण में 7 राज्यों के 51 निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में 14, राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 7-7, बिहार में 5 और झारखंड में 4 सदस्यीय सीटों के लिए मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र तथा अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के पुलवामा और शोपिया जिले में मतदान हुआ। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन राठौर, अर्जुन राम मेघावल और जयंत सिंह सिन्हा तथा भाजपा नेता राजीव प्रताप रूड़ी और अर्जुन मुंडा तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जितिन प्रसाद शामिल हैं। मजबूत सरकार बनने वाली है। सब जाति धर्म पंथ सबसे ऊपर उठकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत का एक मन बना चुकी है जनता। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान केंद्रों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बैरकपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की मांग की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हिंसा और मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा करके अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रत्येक मतदान केंद्र पर CCTV से निगरानी की जरूरत है। पोल नहीं हुआ है और इसलिए वहाँ रिपोल किया जाए। आज चुनाव आयोग को हम मिलेंगे भी, लेकिन चुनाव आयोग केवल धरे पर केवल प्रेक्षक बन के नहीं रह सकता। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि अगर उनके सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करने के बाद भी अगर हिंसा जारी है, सेंट्रल फोर्सेस को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारी जो वहां काम कर रहे हैं उनको बहुत जोर से धमकाया जा रहा है, अगर ये सब माहौल है और उसका बहुत सारे सबूत सभी लोगों ने दिए हैं, तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा। आज ये रिपोल हो बराकपुर का और उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र का रिपोल का ऑर्डर दे। और ये हम फिर से दोहराना चाहते कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हार रहे हैं, इसलिए वोट से नहीं रिगिंग से वो चुनाव जीतना चाहते और इसलिए पूरे गुंडों को पूरे हिंसा पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है और ये चुनाव की और लोकतंत्र की एक बहुत ही विडंबना है जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तामूल में एक जनसभा में ये कहा कि भाजपा हाशिर पर रहने वाले युवाओं और महिलाओं को आवास है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के विभानी में एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया। सरकार
पूरी शक्ति से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़ी है और राहत के काम में राज्य सरकार का हर तरह से सहयोग कर रही है। भारत ने जिस तैयारी के साथ इस चक्रवात का मुकाबला किया है, आज उसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप हिंदुस्तान की जनता से नहीं लड़ रहे हो, आप विपक्ष से भी नहीं लड़ रहे हो, आप बेरोजगारी से लड़ रहे हो, आप किसानों की समस्या से लड़ रहे हो, आप गरीबी से लड़ रहे हो, और आपने इस देश को पिछले 5 सालों में धोखा दिया। एनपीपी के नेता कुमार वाई ने कुरुंकुमे और क्रादादी जिले में चुनावी हिंसा के मामले में जांच करने की मांग की है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे शांतिपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश की छवि को धक्का पहुंचा है। तो दो ही जगह, एक तो 24 ताबा और 28 नामपे में, तो हम लोग का ये अपील, वो उसको सीओ को अपील करने गया है कि उसको सी पोल होना है। तो ये नहीं कि हम एनपीपी वाला वहाँ गया एनपीपी सपोर्ट कैंडिडेट को सपोर्ट देने के लिए। तो हम अपना अरुणाचल ऐसे ये है कि पिछले साल हम लोगों ने 21 स्टेट अवार्ड मिला है भारत सरकार से, और हम मानता है, लोग मानता है हमारे यहाँ एक 21 स्टेट है। और आज 21 स्टेट का जगह में, और जब इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो रहा है, तो दुनिया उसका नज़र पर है, और वहाँ में ऐसे वायरल हो गया कि सब दुनिया में फैल गया है कि वहाँ जो इलेक्शन का बावजूद से एक गंभूरा को भी मार दिया है, छोटा छोटा बच्चा जिसका 7-8 साल है, तो जिसका नाम ने उनको भी वोटिंग राइट दिया है। तो हम लोग का ये अपील था कि कुरुंकुमे और क्रादादी जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने की मांग जारी है। विभिन्न दलों के नेता अलग अलग मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने मतदाताओं के मताधिकारियों को ध्यान में रखकर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है। क्योंकि हम लोग का वोटिंग राइट को भी दिया ही नहीं है, तो वहाँ में हम लोग का बीजेपी पार्टी का तो बहुत बुतर पोल पालिंग से जो नाम था पूरा घुस के आया, पोलिंग एजेंट बना के आया, किसी को तो दिया ही नहीं है। इसलिए हम लोग बुतर्स मेंबर लोग हमारे पास में वहाँ पूरा भर्ती आ गया, तो इसलिए हम लोग आईवी में पूरा भर्ती हो गया था डीसी को और कांग्रेस पार्टी और हम लोग पार्टी जो आर्गूमेंट पूरा हुआ, तो इसलिए हम उसी दिन मैंने वो रिटर्न लिखा है कि उसको बंद कर दो, रीपोलिंग करना है। ऑल्सो द रीपोलिंग शुड बी डन इन द न्यूट्रल वेन्यू अंडर द स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड द टाइट सिक्योरिटी फेलिंग टू मीट आवर डिमांड ऑफ रीपोलिंग विद इन द 7 days टाइम विल इनिशिएट मोर चॉइस and confusion in the form of democratic protest at Chief Election Commission office, Itanagar and its branch office at Palin and Kalori. That the voting is our birthright, voting is our constitutional right. इसीलिए ये है हम लोग का डिमांड। ये करेगा हम लोग साइड से, जेडीयू साइड से हम लोग कभी नहीं किया, हमारा साइड से वायलेंस कभी हुआ नहीं, और हम लोग का कंप्लेन बजे भी नहीं हुआ है। केवल हमारा पोलिंग स्टेशन रक्सो मेरा खुद का जन्मभूमि ज्यादा है, उसको बाहर से आके है डिसहारमोनी क्रिएट किया है, और बाहर से आके हम लोग गाँव को अटैक किया, ये हम लोग का कंसर्न है। अदरवाइज आई डू नॉट हैव एनी कंप्लेंट आज तक हम लोग का और बाहर का। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए 17,07,000 छात्रों में से 91.1% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 500 में से 499 अंक प्राप्त कर 13 छात्र शीर्ष स्थान पर। लड़कियों का लड़कों से इस बार भी बेहतर प्रदर्शन। क्षेत्रवार त्रिवेंद्रम ने 99.85% के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं गुवाहाटी रीजन में 74.49 छात्र उत्तीर्ण हुए। ये परीक्षा CBSE की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान की चपेट में आए
ओडिशा जिला का आज हवाई सर्वेक्षण किया है। राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इससे पहले केंद्र सरकार राज्य को 381 करोड़ रुपए की सहायता दे चुकी है। प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी उपस्थित थे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र ओडिशा को पुनर्निर्माण कार्य के लिए हर संभव सहायता देने का प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही एक केंद्रीय दल राज्य का दौरा कर नुकसान का जायजा लेगा। नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने का वायदा किया। उन्होंने जानमान के नुकसान को कम करने के लिए तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकालने पर राज्य सरकार की सराहना की है। संकट के समय केंद्र सरकार और राज्य के बीच सहयोग की आवश्यकता पर मोदी ने कहा कि भविष्य में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए लंबी अवधि की योजना तैयार की जाएगी। सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री ने सरकारी अधिकारियों के साथ राहत कार्यों के बुनियादी सुविधाओं के बहाल का भी जायजा लिया। CBSE के परीक्षा परिणाम आने के साथ ही राजधानी ईटानगर में आज से 2 दिन का इजू फेयर शुरू हो गया है। इसमें युवाओं को देश भर के महत्वपूर्ण संस्थानों में रोजगार परक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जा रही है। छात्र छात्राएं यहां पर आकर व्यवसायिक कोर्स की जानकारी ले रहे हैं और संस्थानों में सुविधा के अवगत हो रहे हैं। यहां पर युवाओं को कक्षा 12 के बाद पढ़ाई के लिए विकल्प को चुनने में मदद दी जा रही है। एक समय ऐसा था जब युवाओं को देश के संस्थानों में जाकर जानकारी लेनी पड़ती थी, पर अब बदलते समय के साथ राज्य में ही उन्हें यह सुविधा मिल रही है। यहाँ पे 12 एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज बाय एनी करियर सॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट मीडिया। ये आपका होटल अरुण सुभनसिरी में हो रहा है आज और कल, अर्थात 5th और 6th और 7th May 2009। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी का जलावतरण आज मुंबई में स्थित माझगांव गोदी में किया गया। पनडुब्बी को वेला नाम दिया गया है, जो वेला श्रेणी की पिछली अग्रणी पनडुब्बी से लिया गया है। ये तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदी गई फोस्ट्रोट श्रेणी की दूसरी खेप है। अब प्रोजेक्ट 75 की 4 पनडुब्बियों को जल्द ही नौसेना के बड़े में शामिल किया जाएगा। पनडुब्बियों का निर्माण माझगांव डॉक लिमिटेड में मुख्य रूप से फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ किया जा रहा है। रक्षा उत्पादक सचिव डॉक्टर अजय कुमार जलावतरण समारोह के मुख्य अतिथि थे। Of Iron's deterrent submarine force. The second and the third submarines of this program are undergoing rigorous sea trials, and today the fourth submarine, that is Yard 11878, will be launched and named Vela. भारतीय डाकघर द्वारा हाल ही में स्थापित इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक काफ़ी चर्चा में रहा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव-गांव में विस्तृत अपने नेटवर्क के कारण इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने काफ़ी तेजी से प्रगति की है। स्थापन के केवल 4 महीने में इसके 1.25 लाख सेवा केंद्र खोले, जिनमें से 1,10,000 सेवा केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। बैंकिंग सेवा की दुनिया में इतिहास में इतनी तेजी से कभी कहीं केंद्र नहीं खुले। व्यापक बदलाव का वाहन बनने के और अग्रसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की विश्व की राजनीति और अन्य तथ्यों को लेकर संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने हाल में पड़ताल की और 7 प्रमुख बिंदुओं के बेहद अहम सिफारिशें की हैं। वित्तीय समावेशन की सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना होने के नाते समिति ने इसके तमाम पक्षों पर भी बारीकी से अध्ययन किया। ये जानने का प्रयास भी किया गया कि कहीं इसकी गतिविधियों से बेहद सक्रिय से जुड़ने पर डाक विभाग के कामकाज पर असर तो नहीं पड़ेगा। समिति ने जहां तमाम पहलुओं पर सराहना की है, वहीं कुछ अहम सुझाव भी दिए हैं। ये बैंक पहुँच और नेटवर्क के आधार पर देश के विशालतम बैंक तो बन गया है, लेकिन ये ग्रामीण को कितना ताकत देगा ये देखना अभी शेष है। पैसा मिले, एक आनंद भी मिले, तो ये काम में जो एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट जो हो रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।